डियर स्टूडेंट, मैं विद्यासागर और आप देख रहे हैं बीएसके विद्यासागर सिंह का चैनल। तो देखिए, ये वीडियो है आप लोगों को साइंस मॉडल सेट 2021 क्लास 10वीं। ये वीडियो है आप लोगों को पार्ट वन। अगर नहीं देखे हैं तो उसमें 1 से 20 तक प्रश्न को सॉल्व कर दिए हैं। वो वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वो वीडियो को देख लीजिए क्लिक करके। ये वीडियो है आप लोग को पार्ट 2। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। इस वीडियो को शुरू करने से पहले इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो नीचे लाल करके बटन दबाकर फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए और ये वीडियो अपने दोस्त लोग के पास शेयर कर दीजिए। चलिए, अगर आप लोग को जुड़ना है तो आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहाँ पर क्लिक करके जुड़ जाइए। और हाँ, आप लोग के लिए एक खुशखबरी बता देते हैं, आप लोग को ये प्ले स्टोर पर मेरा ऐप लॉन्च हो चुका है, तो आप लोग जाइए फटाफट। अभी तक तो इंस्टॉल नहीं किए हैं तो आप लोग इंस्टॉल कर लीजिए और वहाँ से आप लोग टेस्ट सीरीज लगाइए और 11वीं और 12वीं 10वीं का तैयारी करिए और वहाँ पर आप लोग टेस्ट दिया करिए। ऐप का नाम है बीर कोचिंग सेंटर, जो कि प्ले स्टोर पर आप लोग आसानी से सर्च करके डाउनलोड इंस्टॉल कर सकते हैं। नहीं तो आप लोग को लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहाँ पर क्लिक करके आप लोग इंस्टॉल कर सकते हैं और जाइए फटाफट इंस्टॉल करिए और वहाँ पर टेस्ट दीजिए। टेस्ट सीरीज कैसा चल रहा है, जैसे मान लीजिए 30 मिनट में 50 क्वेश्चन को सोल्व करना है तो आप लोग को बिल्कुल हिंदी मीडियम में है, चैप्टर वाइज है, बिहार बोर्ड का बिल्कुल सिलेबस है, तो आप लोग फटाफट इंस्टॉल करिए और वहाँ पर टेस्ट दीजिए और जाइए आप लोग पढ़िए अच्छे से। जैसे मान लीजिए अगर आप लोग 11वीं क्लास में भी जाते हैं, फिजिक्स आप एक चैप्टर के पढ़ते हैं तो एक चैप्टर से मान लीजिए आप लोग को 50 क्वेश्चन आप लोग को वीवीआई बनाते हैं, एक चैप्टर का 50 क्वेश्चन 30 मिनट में हल करना है, जो कि आप लोग को अभी से ही हल करिएगा तो बहुत अच्छा तैयारी कर सकते हैं, अच्छा से पढ़ सकते हैं। तो इसलिए फटाफट ऐप को इंस्टॉल करिए और वहाँ से तैयारी करिए, वहाँ से 100% बच्चों अपने आप में प्रॉफिट पा रहे हैं। तो इसलिए आप लोग भी इस ऐप से आप लोग अपना प्रॉफिट करिए और अच्छा से अच्छा आप लोग मार्क्स लाइए। चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो यहाँ पे देखिए, इस वीडियो में 20 तक प्रश्नों को बता दिए हैं, इस वीडियो में 21 नंबर प्रश्न को बताएंगे, यानी इस वीडियो का पहला क्वेश्चन 21 नंबर है। चलिए, इसमें दिया गया है आप लोग को, जब किसी चालक तार से विद्युत धारा प्रभावित होती है तो गतिशील कौन। देखिए, इसे मान लीजिए ये तार है, तार से बिजली जा रहा है, तार से क्या जा रहा है, बिजली जा रहा है। तो बिजली जब जा रहा है तो इसमें क्या प्रभावित होगा, तो इसमें इलेक्ट्रॉन प्रभावित होगा। इसमें क्या प्रभावित होगा, तो इसमें इलेक्ट्रॉन प्रभावित होगा, यानी इलेक्ट्रॉन का प्रवाह होता है, इलेक्ट्रॉन का प्रवाह होता है इस तरह से। तो यानी कहने का मतलब इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ये दिया गया है डी में, तो ये इसका आंसर आप लोग को डी हो जाएगा, यानी 21 का आप लोग को डी हो जाएगा। अच्छा, चलिए यहाँ पे देखिए, 22 नंबर दिया गया है आप लोग को, एम्पियर घंटा होता है, तो एम्पियर घंटा क्या होता है, एम्पियर घंटा होता है, आप लोग देखिए, एम्पियर घंटा को कूलम्ब कहते हैं, एम्पियर घंटा को क्या कहते हैं, कूलम्ब। देखिए कैसे, जैसे देखिए बाबू, यहाँ पे क्यू बराबर सूत्र होता है आई टी, क्यू बराबर क्या होता है आई टी, यानी कहने का मतलब क्यू यानी होता है कूलम्ब बराबर एम्पियर घंटा, एम्पियर घंटा यानी कहने का मतलब बाबू होता है क्यू बराबर आई टी, तो क्यू यानी क्यू का मात्रक हो गया, तो क्यू का मात्रक यानी कहने का मतलब जो आई टी है यानी एम्पियर और घंटा, एम्पियर और घंटा किसके बराबर होगा, ये कूलम्ब के बराबर होगा। तो कूलम्ब किसका मात्रक है, तो कूलम्ब है आप लोग को आवेश का मात्रक, यानी कहने का मतलब इसका आंसर आप लोग को हो जाएगा आवेश यानी बी हो जाएगा, तो 22 का बी हो गया। अच्छा, चलिए यहाँ पे देखिए, 23 नंबर दिए गए हैं आप लोग को, निम्नलिखित में कौन सा वाट के बराबर है। तो देखिए इसको अच्छे से समझिए, आप लोग को अच्छे से समझ में आ ही जाएगा, वाट के बराबर होता है जूल प्रति सेकंड। अब पूछिए कैसे हम कह सकते हैं जूल प्रति सेकंड वाट के बराबर होता है, देखिए आप लोग पढ़े होंगे सूत्र होता है पी बराबर डब्ल्यू बाई टी, पी बराबर डब्ल्यू बाई टी। अब यहाँ देखिए पी, पी की का मात्रक क्या होता है, वाट होता है, पी का मतलब वाट। अच्छा, डब्ल्यू का मतलब कार्य होता है, कार्य का मतलब होता है जूल, और समय का सेकंड होता है बटा में सेकंड, यानी कहने का मतलब इस जूल बटा सेकंड कह सकते हैं जूल प्रति सेकंड, और जूल प्रति सेकंड किसके बराबर होता है, तो वाट के बराबर हो जाता है, यानी वाट हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ये दिए गए हैं आप लोग को, सॉरी ऑप्शन नंबर दिया गया है जूल प्रति सेकंड, यानी कहने का मतलब देखिए आप लोगों को क्वेश्चन दिया था वाट, तो वाट होता है जूल प्रति सेकंड का, जो कि ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए, ठीक ना। आप लोगों के एग्जाम में ये प्रश्न आप लोगों को जरूर जरूर आएगा। हाँ, इस तरह से देख सकता है जूल प्रति सेकंड को क्या कहते हैं, देखिए पिछले हर बार आप लोग देखिए जितना बार एग्जाम हुआ है तो इसी तरह के दिया है, जूल प्रति सेकंड को क्या कहते हैं, तो वाट कहते हैं, जूल प्रति सेकंड को वाट कहते हैं, लेकिन इसमें आया है आप लोग को वाट बराबर होता है, तो वाट बराबर जूल प्रति सेकंड हो जाएगा, जो कि क्वेश्चन उल्टा पलटा है, लेकिन क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है, बस क्वेश्चन को उलट को दे दिया था ताकि बच्चे लोग को थोड़ा समझने में दिक्कत हो और क्वेश्चन ना बन सके, जो कि आप लोग को बहुत आसानी है। जूल प्रति सेकंड कहते हैं वाट को, यानी जूल प्रति सेकंड को वाट कहा जाता है। चलिए आप लोग को 23 क्या हो जाएगा ए, यहाँ पर देखिए
24 नंबर प्रश्न आप लोग को दिया गया है, विद्युत धारा का मात्रक होता है, विद्युत धारा का मात्रक होता है एम्पियर, विद्युत धारा का ऐसे ही मात्रक है मात्रक एम्पियर होता है, यानी 24 का आप लोग को ए हो जाएगा। चलिए यहाँ पे देखिए 25 नंबर दिया गया है आप लोगों को, ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी गैस है। तो ग्लोबल वार्मिंग क्या है, तो ग्लोबल वार्मिंग समझ लीजिए, ग्लोबल वार्मिंग यानी हम लोग का वातावरण में गर्मी का बढ़ जाना ग्लोबल वार्मिंग कहलाता है। तो यहाँ पे गर्मी बढ़ जाएगा यानी किसके कारण होता है, तो ये होता है CO2। तो CO2 ऑप्शन नंबर किस में, चलिए देखते हैं हम लोग। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे नीचे में देखिए दिए गए आप लोग को 25 का आप लोग को सी में दिया गया है, जो CO2 यानी कहने का मतलब 25 का आप लोग को सी हो गया जगह CO2 के कारण ग्लोबल वार्मिंग होता है। ग्लोबल वार्मिंग होता है तो आप लोग का ये जो ही ग्लेशियर होता है, जैसे मान लीजिए हिमालय पर्वत है जो कि हिम है लदा यानी पर्वत के पहाड़ के ऊपर बर्फ लदा होता है तो वो पिघलने लगता है, ग्लेशियर पिघलने लगता है, जिससे आप लोग को क्षेत्रीय जगहों में आप लोग को बाढ़ आ जाती है, ठीक ना। तो यहाँ पे आप लोग 25 का सी हो जाएगा। चलिए यहाँ पे देखिए दिया गया 26 नंबर दिया गया है आप लोग को, शरीर में भोजन का पचना किस प्रकार का अभिक्रिया है। तो देखिए शरीर में भोजन का पचना उपचयन है, क्या है, उपचयन है, यानी आप लोग का इसका आंसर हो जाएगा ए, उपचयन हो जाएगा, ठीक है ना। अच्छा चलिए यहाँ पे देखिए 27 नंबर दिया गया है, नीचे में देख सकते हैं, कली चूना पर जब जल डाला जाता है क्या होता है। तो कली चूना पर जब जल डालेंगे तो क्या करेगा, गर्मी छोड़ेगा यानी कहने का मतलब उष्मा छेपी हो जाएगा, उष्मा छोड़ेगा यानी गर्मी छोड़ेगा, ठीक है, यानी 27 का आप लोग को ए हो जाएगा। यहाँ पे देखिए 28 नंबर दिया गया है आप लोग को, निम्नलिखित में कौन सबसे अधिक अभिक्रियाशील है, अधिक अभिक्रियाशील यानी कौन जल्दी अभिक्रिया करता है, अधिक अभिक्रियाशील है तो अभिक्रियाशील हो जाएगा आप लोग को HG, जो कि HG हो जाएगा पारा, यानी कहने का मतलब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अच्छा चलिए यहाँ पे देख सकते हैं 29 नंबर दिया गया है आप लोग को, चूना जल का रासायनिक सूत्र, चूना जल के रासायनिक सूत्र आप लोग जानते होंगे, चूना जल का सूत्र होता है CaOH2, यानी कहने का मतलब आप लोग को इसका हो जाएगा आप लोग का आंसर डी, यानी 29 का डी, यानी कहा जाता है इसको कैल्शियम हाइड्रोक्साइड भी कहा जाता है, यानी कहने का मतलब चूना जल कहा जाता है, यानी कहने का मतलब 29 का आप लोग को डी हो जाएगा, ठीक है। चलिए यहाँ पे देखिए 30 नंबर दिया गया है, कोई बिलियन लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है तो उसका pH मान होगा। देखिए लाल से नीला कर रहा है, यहाँ पे आप लोग को इस तरह से समझ सकते हैं, लाल से क्या कर रहा है नीला। तो सबसे पहले देखिए इस तरह से लाल से नीला, तो ये ट्रिक के द्वारा हम समझा देते हैं। देखिए बाबू इस तरह से होता है आप लोग को, देखिए अम्ल है, अब बताइए इसमें लास्ट में क्या है, लास्ट में लौ है। लौ है कहने का मतलब आप लोग को जो लास्ट में लौ यानी लाल करेगा उसको कहेंगे अम्ल, लास्ट में लाल करेगा अम्ल कहेंगे, क्या कहेंगे बाबू अम्ल। देखिए नीला से लाल अगर करेगा तो अम्ल कहेंगे, नीला से अगर लाल करेगा तो अम्ल कहेंगे, और अगर लाल से नीला करेगा तो छार कहेंगे। देखिए एक ट्रिक के माध्यम से समझ लीजिए, अम्ल में क्या है बाबू ल है, यानी लास्ट में ल है, यानी कहने का मतलब लास्ट में जो ल करेगा, यानी शुरू में नीला होना चाहिए और लास्ट में लाल हो जाना चाहिए, तो वो है समझ लीजिए अम्ल है, ठीक। अगर एक याद हो गया आपको तो दो ही होता है, ये भी समझ लीजिए। जैसे देखिए नीला से लाल कर दिए तो अम्ल कहेंगे, और अगर लाल से किसी कोई नीला कर देता है, लाल से नीला कर देता है तो उसको सीधे सीधा छार कहेंगे। तो क्वेश्चन यही तो कह रहा था आपको, लाल से क्या कर रहा है नीला कर रहा है, यहाँ पे लाल से नीला कर रहा है तो छार हो जाएगा सीधे सीधे, तो लेकिन छार नहीं, क्वेश्चन आप लोग को बिल्कुल अलग दिया गया है, इसमें छार ऑप्शन में नहीं है, ऑप्शन में दिया गया है आप लोग को pH मान, इसका pH मान यानी pH मान क्या होगा, तो pH मान आप लोग का 11 हो जाएगा, छार का है 10 है, ये भी छार का है, तो इसलिए आप लोग का दोना हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, यानी कहने का तो डी हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए और बी दोनों होगा, क्योंकि देखिए 5 नहीं होगा, 5 तो अम्ल होता है ना, जो कि आप लोग छार करता है, जो छार क्या करता है आप लोग को सीधा सीधा लाल से नीला कर देता है, यानी ऑप्शन नंबर हो जाएगा आप लोग को डी। यहाँ पे देखिए 31 नंबर दिया गया है, एल्काइन में कार्बन कार्बन के बीच कितने सहसंयोजक बंध होते हैं। तो देखिए एल्काइन में होता है आप लोग जान लीजिए, नहीं जानते तो 3 होता है, क्या होता है बाबू 3 होता है, यानी 31 का आप लोग को इसमें दिया गया है आप लोग को सीधा सीधा 3, यानी कहने का मतलब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक ना। अच्छा चलिए यहाँ पे देखिए अच्छे से देखते चलिए, यहाँ पे दिया गया ग्लूकोज का आण्विक सूत्र होता है, ग्लूकोज का आण्विक सूत्र क्या होता है, ग्लूकोज का आण्विक सूत्र C6H12O6, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 32 का आप लोग को ए हो गया। अच्छा चलिए यहाँ पे देखिए नीचे में दिया गया 33 नंबर, और हाँ
अभी तक ऐप को इंस्टॉल नहीं किए हैं तो ऐप को इंस्टॉल कर लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहाँ पर क्लिक करके इंस्टॉल करिए और वहाँ पर पढ़िए, स्टडी करिए, देखिए उस ऐप में क्या है। उस ऐप में आज जैसे आप लोग ऑफलाइन कोचिंग पढ़ते होंगे तो आप लोग को फेयर या नोट्स लिखवाया जाता होगा टीचर के द्वारा, लेकिन इस ऐप में आपको बिल्कुल हिंदी मीडियम में आप लोग को सिलेबस, ये पूरा असाइनमेंट पेपर मिल जाएगा, नोट्स मिल जाएंगे, बिल्कुल कंप्यूटराइज, कंप्यूटर द्वारा लिखा गया, टाइप किया गया है, तो आपको उस तरह का मिल सकता है। वीडियो तो मिलता ही रहेगा। उसके बाद मेन बेनिफिट है, टेस्ट सीरीज लगाने को मिल रहा है उस ऐप पर। टेस्ट सीरीज जो कि आप लोग मान लीजिए कितना भी पढ़ लिए, जैसे मान लीजिए क्लास 10वीं से 11वीं में जाते हैं आप लोग, या अभी 10वीं के एग्ज़ाम देने वाले हैं तो अभी 10वीं में भी टाइम है, या 11वीं 12वीं, देखिए ये तीन क्लास के लिए अवेलेबल है, 10वीं 11वीं 12वीं, तो आप लोग 12वीं में या 11वीं में कुछ भी पढ़ते हैं, मान लीजिए 11वीं में फिजिक्स के एक चैप्टर पढ़ते हैं तो एक चैप्टर का टेस्ट दीजिएगा, तभी तो आपको पता चलेगा। तो ये ऑनलाइन टेस्ट है, कोई चीटिंग नहीं, आप लोग सीधा सीधा टाइम रहते टेस्ट दीजिएगा, आप लोगों को पता चलता रहेगा हम कितना पढ़ रहे हैं, कितना पानी में है, कितना नहीं है। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ उस ऐप को फटाफट इंस्टॉल जरूर कर लीजिए। चलिए, और हाँ, अगर आपको उस ऐप में कोई भी दिक्कत होती है तो मेरे दिए गए इस नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। मेरा नंबर है 8340453964, तो इस पर आप लोग व्हाट्सएप या कॉन्टैक्ट करिए व्हाट्सएप के द्वारा, हम आपका 100% मदद करेंगे ही करेंगे। चलिए, यहाँ पे देखिए आप लोग को दिया गया है 33 नंबर दिया गया, उच्च वसीय अम्ल को सोडियम लवण कहलाते हैं। सोडियम लवण क्या कहलाते थे, ये देखिए सोडियम लवण साबुन कहलाते हैं, उच्च वसीय अम्ल जो है जो साबुन कहलाएंगे। देखिए बहुत बच्चे अपमार्जक पे सोच रहे हैं, नहीं ये नहीं होगा, अपमार्जक होगा ही नहीं, ये साबुन हो जाएगा, जो कि 33 का आप लोग को ए हो जाएगा। अच्छा चलिए, यहाँ पे देखिए एक 34 दिया गया है आप लोग को, CHO अभिक्रियाशील मूलक है, तो CHO किसका है, तो CHO आप लोग को दिया गया है एल्डिहाइड का, किसका है, एल्डिहाइड, जो कि ऑप्शन नंबर ए हो गया, 34 का आप लोग को ए हो जाएगा। अच्छा चलिए, यहाँ पे देखिए 35 दिया गया है आप लोग को, आवर्त सारणी के किसी आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर, देखिए यहाँ आप लोग समझ लिए, बाएं से दाया जा रहे हैं, बाएं से जब दाया जाएंगे तो बाएं से दाया जाने पर परमाणु त्रिज्या क्या होती है, कम होती है, क्या होती है बाबू, कम होती है, तो कम तो नहीं दिया गया, यहाँ घटती है दिया गया, तो घटती है जो हो जाएगा, यानी 35 का आप लोग को ये हो जाएगा। अच्छा चलिए 36 नंबर यहाँ पर देखते हैं, 36 नंबर देखिए आप लोग के लिए ये हो जाता है होमवर्क। देखिए 36 नंबर आप लोग के होमवर्क हो जाता है, होमवर्क में बताइएगा आप लोग लास्ट टाइम वीडियो के कमेंट करके बता दीजिएगा इसके आंसर कौन होगा। देखिए क्वेश्चन दे दिया गया है, निम्नलिखित तत्व में उनके अधातु गुण के अनुसार बढ़ते क्रम में सजाएं, बढ़ते क्रम में सजाया है, सजाना है आप लोग को, इतना दिया गया है, इतना लिथियम दिया गया है, ओ एन ऑक्सीजन दिया है, सी कार्बन दिया गया है, बी ब्रोन दिया गया है, और एफ ही दिया है, सॉरी एफ ही नहीं एफ दिया है ना, तो यहाँ पे इतना में बढ़ते क्रम में बताना है, तो बढ़ते क्रम में आप लोग बताइएगा कौन होगा आंसर, अगर आप लोग सही आंसर देते हैं तो उसको हम कमेंट में पिन कर देंगे, ठीक ना। देखिए आप लोग इसको बताने के लिए आप लोग अपने बुक का मदद ले सकते हैं, आप लोग किताब का मदद जरूर लीजिए, ठीक ना। चलिए यहाँ पे देखिए आप लोगों को 37 नंबर देखिए, सिलिकॉन क्या है, तो सिलिकॉन आप लोग जानते हैं उपधातु, क्या है, उपधातु, यानी कहने का मतलब सिलिकॉन उपधातु है, जो कि ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा आप लोग को बी, सॉरी बी नहीं, सॉरी बी नहीं, आप लोग को हो जाएगा उपधातु, यानी सी हो जाएगा, उपधातु सी में दिए गए, हम तो सोच लिए हैं बी में ही है, लेकिन ये सी में हो जाएगा, यानी कहने का मतलब आप लोग इसका आंसर हो जाएगा सी। चलिए यहाँ पे देखिए 38 नंबर दिया गया, निम्नलिखित में कौन विद्युत धनात्मक तत्व है, विद्युत धनात्मक है Na, यानी सोडियम हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी 38 का सी हो गया। अच्छा 39 देखिए, टिहरी बांध का निर्माण किस प्रदेश में किया गया, तो टिहरी बांध का निर्माण किया गया है आप लोग को उत्तराखंड में, उत्तराखंड जो कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। और हाँ, ये आप लोग को देखिए ये सोशल साइंस में भी प्रश्न आता है और साइंस में भी, तो इसलिए आप लोग को बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है, ये 100% याद रखिए आप लोग, टिहरी बांध कहाँ है, तो टिहरी बांध है आप लोग उत्तराखंड में, तो इसलिए आप लोग को राज्य पूछा था तो मैंने किस प्रदेश में है या किस राज्य में, तो ये हो जाएगा आप लोग को उत्तराखंड। चलिए इस वीडियो को लास्ट प्रश्न बताते हैं, लास्ट प्रश्न बताने से पहले आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए और ये वीडियो अपने दोस्त के पास शेयर कर दीजिए ताकि वो भी लोग देखें और जानकारी प्राप्त करते रहें। और ऐप को इंस्टॉल नहीं किए तो इंस्टॉल कर लीजिए और व्हाट्सएप ग्रुप से जल्द ही जुड़ जाइए, ये सभी बात फटाफट कर लीजिए। तो यहाँ पर देखिए आप लोग 40 नंबर दिए गए हैं आप लोग को,
यानी इस वीडियो को लास्ट प्रश्न, निम्नलिखित में किस धातु को किरोसिन में डुबा कर रखते हैं। देखिए किरोसिन में डुबा कर रखने वाला धातु कौन है, तो किरोसिन में डुबा कर रखने वाला धातु है जो वो है सोडियम, यानी कहने का मतलब सोडियम है जगह। और हाँ ये याद रखिए, ये सबसे मुलायम धातु है, ये भी देता है। देखिए एक तो देता है किरोसिन में किसको डुबा कर रखा जाता है, तो सोडियम को, और एक देता है सबसे मुलायम धातु, तो सोडियम ही होता है, जो कि ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, यानी कहने का मतलब बी। तो चलिए इस वीडियो को इतना ही पे समाप्त किया जाए, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत वंदे मातरम।